नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शेमारू चैनल्स। मुंबई की भीड़ भाड़ से थोड़ी दूर पर बना ये है अपूर्वा कॉलेज, जिसे ज्ञान चंद सक्सेना ने बड़े अरमान से उन गरीब बच्चों के लिए बनवाया था जो पैसों की कमी के कारण अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे इनके शरीर ने इनका साथ देना छोड़ा, वैसे वैसे इस कॉलेज की हालत भी बद से बदतर होती गई। आइए इस कॉलेज के कुछ होनहार स्टूडेंट से मिलवाते हैं। रोहित सारंग खुद को कॉलेज का हीरो समझते हैं। एक ही क्लास में कितनी बार फेल हो चुके हैं कि खुद इन्हीं को याद नहीं, लेकिन छाती चौड़ी करके तो ऐसे चलते हैं जैसे हिंदुस्तान को इन्होंने ही आज़ाद करवाया हो। आर्या पढ़ती तो हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में, लेकिन थप्पड़ मारने में पीएचडी है। कॉलेज के आधे लौंडे तो इनके थप्पड़ खाकर ऊंचा सुनने लगे। ये है रंजीत, इनके तो नाम से ही इनके कैरेक्टर का पता चलता है। ये कॉलेज में अब इतने पुराने हो चुके हैं कि कॉलेज की न्यू जवान लगने लगी है। चचा पिछले 5 साल से ये सोच कर एक ही क्लास में डटे हुए हैं कि पहले न्यू मजबूत की जाए फिर आगे बढ़ा जाए। मोहिनी गरीब परिवार की लड़की, पढ़ाई के साथ साथ कैंटीन में काम करके अपना और अपनी माँ का खर्च उठाती है। रोनी अमीर बाप की औलाद, इनकी आधी ज़िंदगी कैंटीन वाली मोहिनी के पीछे बीती है, बाकी की आधी शायद पागल खाने में बीतेगी। प्रोफेसर प्यारेलाल कुछ साल पहले इस जोश में कॉलेज आए थे कि लड़कों को सुधार देंगे, लेकिन खुद का सिस्टम बिगाड़ बैठे, बेचारे साइकी हो गए। कॉलेज की बुरी हालत को देखते हुए मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया कि कॉलेज की बागडोर किसी सख्त इंसान को देनी चाहिए। यही सोचकर उन्होंने कॉलेज की बागडोर रिटायर्ड कर्नल इनायत खान को दे दी। यार जल्दी चलना, लेट हो रहा है। देख जब जॉब और पढ़ाई एक साथ करोगी तो लेट तो होगा ही ना। कहाँ गई थी? बैंक गई थी यार, और कहाँ जाऊंगी। अरे ये क्या है? सर आज क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं। मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्लास में स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए हैं और कहाँ गए होंगे। मैं बता दूँ कहाँ होंगे सारे स्टूडेंट्स। अच्छा बनवाई कबूतर जा जा जा। क्या कबूतर जा? प्रिंसिपल नमस्कार साहिब। काय झालं साहिब? क्या हुआ साहिब? ये सब साफ होना चाहिए, कल मुझे दिखना नहीं चाहिए। हो साहिब, हो साहिब। ताला खोलो। आतमध्ये 100% कोई नहीं है साहिब। ताला खोलो। क्या हुआ? चाबी ढूंढता साहिब। हाय साहिब, चाबी साहिब। क्यों, क्या हो गया? क्लासरूम में क्यों नहीं आए? क्या हुआ? सोलंकी? सोलंकी? यस सर। क्या है ये सब? हे देवा, ये लोग तो 100% कबूतर निकले। अरे चल यहाँ से चलते हैं। अरे नहीं, रुको रुको, सामने गर्ल्स हॉस्टल है यार, यहाँ से जाना मुझे 6 बार भारी पड़ चुका है यार। अरे मैं तो कहता हूँ ना, पीछे से चलते हैं। ठीक है चलो। हाँ चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग सर। क्लास में क्यों नहीं आए? सर जी, पिछले 20 मिनट से हम सर का क्लासरूम में वेट कर रहे थे। 20 मिनट से सोलंकी साहब का इंतजार कर रहे थे क्लास में? हाँ हाँ हाँ। ऐसे ये क्या है? सर स्टाइल है। ये उल्टी बनियान, ये खुली हुई जिप स्टाइल है। वो सर वो हम कपड़े खुद ही धोते हैं ना सर, और रात को देर तक पढ़ाई भी कर रहे थे, इसलिए सुखाना भूल गए सर। सॉरी सर। ये क्या है? सॉरी सर। क्या है ये? अंडरवेयर है सर। जीन्स के ऊपर पहनते हैं। वार्निंग, आगे से हर कोई क्लास में टाइम पर पहुंचेगा। आज के बाद किसी ने यह हरकत दोबारा की, आई विल सस्पेंड ऑल ऑफ यू। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? मिस्टर सोलंकी, स्टाफ की अर्जेंट मीटिंग बुलाओ। यस सर। ये आप सब लोगों के नाम के रेजिग्नेशन लेटर्स हैं। इन्हें साइन कीजिए, जब जरूरत पड़ेगी डेट डालकर एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन प्रिंसिपल साहब। लेकिन क्या? लेकिन क्या? आप जैसे गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में कॉलेज की बागडोर होगी तो कॉलेज तो बंद होने ही वाला है। आप बच्चों को क्यों ब्लेम करते हैं? सच तो यह है कि बच्चों से ज्यादा आप गैर जिम्मेदार हैं। अरे बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन आप में से किसी ने भी कभी भी कॉलेज में डिसिप्लिन बरकरार रखने की कोशिश की? बताइए ना, कोशिश की? नहीं। एंड नाउ आई विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉलेज। पीएन से लेकर चेयरमैन तक सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तभी यह कॉलेज सुधरेगा। और जो कोई भी यहाँ अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाएगा, उसे इस कॉलेज में रहने का हक नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। इसे आप मेरी वार्निंग समझें या एडवाइस। थैंक यू। अरे गलती हुई रे हम लोगों से। अरे तुम लोगों को तो 1947 में लात मार के बाहर कर देना चाहिए था यार। 1947 में? हाँ 1947 में। 1947 छोड़, तेरे में अगर दम है ना तो इस कैंटीन से बाहर निकल के दिखा। बोल रहा है तू, बोल रहा। देवी जी आप बीच में मत बोलिए, ये हिंदुस्तान का मसला है और वैसे भी आप लोगों की वजह से ही हम पीछे हैं। हर रोज ये दोनों पता नहीं क्यों लड़ते रहते हैं। झगड़ा नहीं, फ्री में काने का नया नाटक। फ्री में? हाँ, पैसा दिया तो। अम्मा तुम बहुत बोले इसलिए सब तुम्हारा फायदा उठाता। तुम्हारे फायदे में मेरा नुकसान। मैं मोटा होके बोल के इडली वड़ा सांबर कुछ नहीं खाता और ये आरामी लोग मेरा पॉकेट में खा के जाता। एक बात बोलूं अम्मा, मेरा रिक्वेस्ट है तुमसे, थोड़ा दिमाग यूज करना। फ्री में कुछ नहीं देना, थोड़ा सांबर भी नहीं। समझ गया अम्मा? अच्छा तरह से समझाना। हाँ हाँ। ठीक है। माल तैयार है भाई, भरा ना? ठीक है। हाँ भाई। ये मिंडी रानी। अरे वाह धर्म भाई, क्या हुआ यार? रोनी तेरे पीछे इतने बड़े बड़े घर की लड़कियां पड़ी हैं। हाँ। यार तुम मोहिनी पर ही क्यों अटका है यार? ए धर्म, तुम मोहिनी को बीच में मत ला यार। ए पागल, ले कश्मार, अबे मार ले। हाँ मैं पागल हूँ उसके प्यार में, और उसको हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। हाँ ये कुछ भी कर सकता है। अगर इसकी आइटम इसकी नहीं बनी ना तो उससे राखी बनवाकर अपना बनाएगा। ए धर्म, तू दिमाग की मां मत करा, वरना सारा सब पंजों ना बिखर जाएगा। अरे भाई तो भड़क गया भाई। यार रोनी मैं तो मजाक कर रहा था यार। हाँ यार मोहिनी तो हमारी भाभी है रे। देख ना यार हमारा कितना ख्याल रखती है वो। अरे कैंटीन में फ्री में खाना खिलाती है। हाँ, हाँ। और कितनी खूबसूरत है भाभी। हाँ। रोनी एक बात बोलूं, तुम दोनों की जोड़ी ना वो क्या बोलते हैं? अरे रोमियो जूलियट। हाँ, हाँ, हाँ। रोमियो जूलियट। थैंक यू यार, थैंक यू। प्यार में दिल का मुर्गा बोले आई लव यू। प्यार में दिल का मुर्गा बोले। यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार? बार हार गया तू। मैं हार गया? हाँ मैं हार गया। हाँ अरे मैं हार गया रे। दिल हारा रे, दिल हारा हो गया। दिल हारा रे, पूरा पागल हो चुका है। यार रोहित, यार रोहित देना यार, रोहित प्लीज यार रोहित। अबे क्या दूं बे? रोहित देना यार। मैंने सुना है तूने ईमान धर्म को लड़की पटाऊ मंत्र दिया है रोहित। मेरे को भी देना यार। क्या रापची का अंडूस आइटम लेके घूम रहे हो यार रोहित उन लोग? रोहित देना यार, रोहित प्लीज यार रोहित। यार ये साले ईमान धर्म भी है ना, एक बात नहीं पचती है इनके पेट में। यार रोहित चल दे देना यार। अबे पागल हो गया क्या बे? है अबे तेरे को पता नहीं 15,000 रुपये खर्च किया हमने। सनातन बाबा का मंत्र ऐसे नहीं मिलता है। ये भी बात सही है। अरे मैं दूंगा ना, मैं दूंगा 15,000 रुपये, पर इसके बाद मोहिनी मेरी होगी ना 100%। अरे यार वो तो तेरी है ही। हाँ क्या है कि तू अपने दोस्त है ना, तो तेरे को मना नहीं कर सकता ना। चल चल निकाल 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 निकाल। क्या? अबे पैसे निकाल पैसे। सॉरी सॉरी सॉरी, मोहिनी मेरी होने वाली है। ये सुन के तो मैं तो पागल हो रहा हूँ। देता हूँ। ये ले। कितने हैं बे? पूरे 10। क्यों 10 क्यों? बाकी के 5? बाकी के 5 मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा कसम से। प्लीज पक्का ना? प्लीज 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 पक्का, प्रॉमिस। पता है क्या है ये? क्या ये है? मंतर। लड़की जैसे छुएगी वो तेरी हो जाएगी। लाओ। क्या आ? इतनी मेहनत की कमीशन बे कमीशन। अबे काहे का कमीशन? ए, चल फट फट। ये रोहित सैंडी चीटिंग है, चीटिंग गद्दारी है। ए चिकन फ्राई ज्यादा बोल मत वरना तेरी वाट लगा दूंगा। अच्छा चोर के घर में चोरी, ये तो बेटा है हरामखोरी। देख लेंगे बे। हाँ। चलना के दिन भी आते हैं बे। यार रोहित ये डबल ढुल के कहीं अपने पर भारी तो नहीं पड़ेंगे? अरे छोड़ना यार, हम किसी से कम थोड़ी है ना। मार आया धमाल करेंगे। मोहिनी चल यार, लेट होगा क्या? हाँ हाँ तू चल, वहाँ मैं आ रही हूँ। जल्दी करना, तेरी वजह से हमेशा लेट आ रही हूँ। बाबा तू वहाँ बैठ, चल जल्दी। हाँ ठीक है, ये लो आपका, ये आपका। हेलो माँ। बेटी 20,000 भेज सकती हो? 20,000? हाँ बेटी। इतना तो नहीं हो सकता माँ। कोशिश कर, पैसे तुरंत चाहिए। जानती हो माँ कि हम लोगों को पैसों की जरूरत है। पैसे जल्दी भेजना। हाँ हाँ माँ, मैं कोशिश कर ही रही हूँ। बेटी अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, पैसे जल्दी भेजना। आप चिंता मत करो माँ। मोहिनी, रोनी, मोहिनी गिफ्ट फॉर यू। मोहिनी प्लीज प्लीज, मोहिनी ले लो। रोनी तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, फिर क्यों अपना वक्त अपना पैसा मेरे लिए खराब करते हो? अरे वो सब छोड़ो मोहिनी, बाद में बैठ के बात कर लेंगे मोहिनी उस पे। मोहिनी मोहिनी गिफ्ट फॉर यू मोहिनी। मोहिनी प्लीज प्लीज ले लो, ले लो मोहिनी। रोनी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना मोहिनी, बस तुम ये ले लो। चल ठीक है दे। अरे मोहिनी से खोलो। अब इसे यहाँ खोलो भी। मोहिनी प्लीज, मोहिनी से यहाँ पे खोलो मोहिनी प्लीज। मोहिनी मोहिनी तुम्हारी कसम, मैंने इसे नहीं कहा था रोहिणी। संसानी बाबा। रोनी पागल हो चुका है और तुम लोगों को पता है इसके साथ क्या करना है? ईमान भाई। बोलो धर्म भाई। इस बालिका ने अपनी सुंदरता को पहचान लिया है। क्या बात है। अब इस कॉलेज का सर्वनाश हाँ। मैं साक्षात देख रहा हूँ। क्या बात है। तुम अपने लोगों को संभालो। ठीक है धर्म भाई, मैं अपने लोगों को संभालता हूँ। ठीक है, विलम्ब ना करो। लाल चढ़ी मैदान कड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। हम दिल से गए यो, हम जान से गए यो, हम दिल से गए, हम जान से गए। आँख लड़ी और बात बड़ी। रूह अफ़ज़ा ईमान, ये तो हाय आई एम रौनकलाल बैनर्जी उर्फ रॉनी। हाय आई एम आर्या। अरे ये क्या हुआ? हाँ? अरे रोनी क्या हुआ? रोनी रोनी ये तो रोनी क्या हुआ भाई? क्या हुआ? अबे इसको किसने फोड़ दिया? आखिर हुआ क्या? इसको मारा किसने? इतना रोहित और उसके चमचों ने उन सालों ने रोनी को मारा। उन सालों की तो मैं इससे भी बदतर हालत कर दूंगा। कहाँ है वो लोग? बाप रे, भाग 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 जल्दी भाग। अबे रुक रुक रुक। अबे लगता है कुछ गड़बड़ है, लगता है अपनी फील्डिंग लगाई गई है। अबे साला ये प्रिंसिपल तो साला अपना भी बाप निकला। एक आइडिया है। क्या क्या? चल 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 चल, निकल निकल। किधर थे? बाथरूम में था साहिब। यहाँ होना चाहिए था ना तुम्हें। सॉरी साहिब। सुनो। हाँ साहब। जो लोग कमरों में नहीं है उनके कमरों में अपना ताला लगा दो। हो साहब। और मुझे खबर करो। हो साहब। आज इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। 100% सबक सिखाना पड़ेगा साहब। यहाँ नहीं सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे? पीछे के दरवाजे से चलते हैं यार। अरे रुक रुक रुक। अरे रंजीत ये आवाज उन तीन कमीनों में से किसी की भी नहीं लग रही है यार। अबे छोड़ ना, इधर आके साले का घूंघट तो उठा। अरे भाई घूंघट तो उठाओ। अरे ये तो चमन बाहर निकला रे। 100% चमन बाहर, चमन बहार माझा चमन उजाड़ तुम्हें काय वो। साले ने सही फील्डिंग लगा कर रखी थी। अब तो देख बेटा रंजीत, कैसी तेरी वाट लगाता हूँ मैं। आई सपत 100% मारा साहिब। इतना धुलाई किया कि पूरा सफाई कर दिया साहिब। मेरे शरीर का कोई भी पुर्जा ठीक से काम नहीं करता साहिब। आने वाले 2 हफ्ता में कोई चांस नहीं लगता साहिब। कुतरा सरी के मारा साहिब, कुतरा देखना कैसा हंसता है साहिब। कुतरा बना दिया साहिब। तुम बैठो। आओ साहिब बैठो। बैठता धन्यवाद साहिब। सर दरअसल बात ये बात है। चाहे कोई भी हो, ये रातों को हॉस्टल से बाहर रहना, ये मारपीट, ये बदमाशियां अब इस कॉलेज में नहीं चलेंगी। लास्ट वार्निंग, अगर कोई ऐसी हरकत दोबारा सुनाई पड़ी, You can understand what can I do? अरे कंप्यूटर रूम में क्या कर रहा था धर्मभाई? यार मैंने आज ना कंप्यूटर में ऐसी प्रोग्रामिंग की है कि साला कंप्यूटर ही कंफ्यूज हो गया। प्रोग्रामिंग गलत किया होगा भाई। हाँ ऐसा क्यों? सही बात है। क्या बात कर रहा है? नहीं मिले ना आखिर। तुम लोगों ने रोनी को मेरे नाम पर पागल क्यों बनाया? It's a hype यार। तुम लोगों को किसी की फीलिंग की कदर है या नहीं? अच्छा, बड़ी फीलिंग की कदर है तुझे। इस दुनिया में दूसरी मदर टेरेसा तू ही तो है, और हम तो कुछ जानते ही नहीं क्योंकि हमारी मेमोरी तो डिलीट हो चुकी है। और तू एक चीज बता, जब देखो तब हमारे नाम का बिल क्यों फाड़ती रहती है? तुझे अगर बिल फाड़ने का इतना ही शौक है ना, तो उस चाय की दुकान में जाओ और वहाँ लोगों का बिल फाड़ना। तो बिल तो फाड़ूंगी ना। तुम लोगों को पता है अन्ना तुम लोगों की वजह से मुझे कितना परेशान करता है। अब ये बताओ कि बिल तुम लोग कब तक दोगे? दे देंगे यार। रोहित ऐसा करते हैं, इसको 32 तारीख को पैसा देते हैं। ठीक है ठीक है। 32 तारीख को पक्का? पक्का दे दे। हाँ पक्का, प्रॉमिस। ठीक है पक्का ना? अरे सच्ची तेरी कसम। क्या लड़की है यार। अरे ये क्लासरूम में कहाँ से निकली? अरे तेरे पीछे ही तो बैठी थी। क्या बात कर रहा है यार? अरे हाँ सच्ची। तुम दोनों लड़ रहे हो, वो इस तरफ ही आ रही है। अरे हाँ यार ये हमारी तरफ ही आ रही है। Excuse me. Hi. Hi. Can you please tell me where is the lab? जी जी आप उस तरफ से किधर जा रही थी लैब के लिए? I show you the way. You know? यहाँ से राइट, ओके, एंड लेफ्ट, अगेन राइट, वेरी सिंपल, आ गया। थैंक यू सो मच। अबे एक चीज बता, अबे तू इसको झूठ क्यों बोला? देख बच्चू, क्या है ना बहुत हाई लेवल की बात है, तेरे को समझ में नहीं आएगी। क्या बच्चू, तुम लोगों को मैं बताती हूँ हाई लेवल की बात। अबे लगता है इसको 32 तारीख वाली बात समझ में आ गई है। अरे कहाँ गए लोग? डैड कैसे हो? डैड डैड जरा इस कागज पर साइन कर दो। बहुत सेवा करूंगा, आज तक किसी बेटे ने अपने बाप की नहीं की होगी उतनी सेवा करूंगा। और अगर नहीं करोगे तो वक्त से पहले साइन करो। मैं कहता हूं साइन करो। डैड हाँ बेटा, वो खन्ना अंकल आए हैं। अच्छा उनको बैठा दो, मैं आता हूँ। ओके मेरे बेटे शेखर को जरा अपने साथ रखो, बहुत बिगड़ा हुआ है। तुम साथ रहोगी ना तो बिल्कुल सुधर जाएगा। ऑब्वियसली अंकल, मेरे साथ रहेगा तो सुधर ही जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर। अरे खन्ना, मेरी बेटी है वो। हाँ, वो तो मैंने देख लिया। तुम जाओ बेटी। ओके, बाय अंकल, बाय पापा। बाय बाय। शरद, शाम को अग्रवाल आ रहा है, सोच समझ कर फैसला कर लेना। बहुत खतरनाक है वो लोग, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें लेने के देने पड़ जाए। और बिजनेस में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं पैसों के लिए, बहुत दिनों से इस घड़ी का इंतजार था मुझे, ये मौका मैं किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता। आप मीटिंग फिक्स करवाइए। ठीक है शरद। अग्रवाल साहब, यह है हमारी प्रॉपर्टी। टोटल 8 एकड़ का प्लॉट है। 21 साल के लिए मैंने लीज पर दिया था। 7 अक्टूबर को यह टाइम खत्म हो रहा है। इस पूरे प्रॉपर्टी का मैं अकेला मालिक हूं। गुड। अब आप बताइए क्या हो सकता है? शरद बाबू, मैं यहाँ एक टकसाल बनाऊंगा जहां दिन रात 24 घंटे नोट छपेंगे। पैसा ही पैसा बेशुमार। क्या? 100 करोड़ मल्टी प्रोजेक्ट, जिमखाना, सुपरमार्केट, डिस्को, मिनी थिएटर और एक जुआ घर। इस शहर में एक नया शहर शरद बाबू, जहाँ रोशनी से जगमग। रात तो आएगी लेकिन अंधेरा नहीं आएगा। वाह, क्या बात है शरद, इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। हाँ, यही तो मेरा सपना है। आप जमीन दीजिए, आपके सपनों का महल मैं बनाऊंगा। जमीन दे दी, लेकिन इस कॉलेज का क्या होगा? हट जाएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और अगर नहीं हटा तो? अग्रवाल साहब, इसे किस तरह हटाया जाता है मुझे अच्छी तरह से मालूम है। Yes, this is the spirit I like. बड़े काम के लिए बहुत नेसेसरी है। Just a minute. ये रहे शगुन के 1 करोड़ रुपए। All the best. Thank you. All the best. Best of luck. रोहित, आजकल तेरा टाइम पास कैसा चल रहा है? अरे छोड़ यार, क्या बताऊं, टाइम ही नहीं पास होता है यार। ये जो प्रिंसिपल है ना, हिटलर का बाप है। हाँ वो तो है। अबे सैंडी, यहाँ क्या हुआ बे? बहुत टेंशन में दिख रहा है, क्या बात है? क्या बात है? अबे देख, मेरा टेंशन में ना दिमाग खराब हो जा रहा है। ये देख, अबे तू, रोहित सारंग 6000, सैंडी पांडे बे, सैंडी पांडे 5600। अबे मेरा भी है। क्यों, तू उसका दामाद है क्या? अरे ईमान धर्म, इनकी तो, अरे छोड़ ना, इनकी तो रेपुटेशन खराब है ही यार, लेकिन अपना तो रेपुटेशन है ना इस कॉलेज में यार। अरे हाँ यार, इस मोटे का कुछ करना पड़ेगा। इसने तो अपनी इज्जत की पाव भाजी कर डाली। पाव भाजी? अरे तो रुक, अभी ये अन्ना है ना, इसका देख कैसे मैं गन्ना उखाड़ के आता हूँ। देख। अरे सैंडी रुक ना। दे। चलना चला हटना। क्या बे? क्या रे? अपना क्रेडिट तो प्राइवेट में नहीं रख सकता था? प्राइवेट? ये कोई अपना लव स्टोरी है क्या? पहले तो 10,000 रखने का, फिर प्राइवेट सीक्रेट का बात करने का। अबे कर दी छोटी बातें। 10,000? अबे 10,000 तो तेरे मुँह पे मारू। साला मोटा मोटा मेरे को मोटा बोला? मैं मोटा होता बोल के इडली सांबर वड़ा कुछ नहीं खाता, फिर भी तू मेरे को मोटा बोला। हाँ मोटा बोला तो मोटा ही अभी तेरे को दिखाता। ये मोटा तेरा क्या करता? अबे क्या करेगा तू? मैं ऐसा सांस अंदर लेके ऐसा छोड़ेगा, तुम किधर जाके गिरेगा तेरे को मालूम नहीं। सांस लेने का नहीं, नहीं, नहीं। लेने का लेने का लेने का तो बोल। पैसा देगा? देगा ना। जाने का जाने का, इधर तो जाने का। मेरे को मोटा बोला, मेरे को मोटा बोला, अन्ना को मोटा बोला। छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। धर्म भाई, तीर निशाने पे, इज्जत का सवाल है भाई। क्या हुआ? थप्पड़ क्यों मारा? हाँ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अभी तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? जब देखो तुम मुझे मारती रहती हो। हाँ बोलो। शट अप, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। तोड़ के दिखाना, दिखाना तोड़ के, तोड़ना। ए शाणे, लड़की से क्या लड़ता है? मुझसे आके लड़। तुम सबको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। जानवरों में और तुम लोगों में कोई फर्क नहीं। उस दिन वार्निंग देके छोड़ा था ना मैंने तुम्हें, और आज फिर। सब इसने और इसके साथियों ने हमारे साथ बदतमीजी की। क्या ये सच है? माफी मांगोगे इससे? नो सर, माफी तो मैं हरगिज नहीं मांगूंगा। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मुझे इनको सबक सिखाना था। आई एम नॉट फीलिंग गिल्टी। यू आर नॉट अलाउड टू अटेंड द लेक्चर्स फॉर 1 month। गो, यू ऑल्सो गो। आर्या, आर्या, आर्या। वो ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या है? देखो आर्या, तुम जैसा समझती हो ना मुझे, मैं वैसा नहीं हूँ। कसम से मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की। और तुम्हें पता है, तुम्हारी जरा सी गलतफहमी की वजह से आज रोहित कॉलेज से रिस्ट्रिक्ट हो गया। What do you mean? आर्या, तुम जितना रोहित को बुरा समझती हो ना, रोहित वैसा लड़का नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर सकता है। और क्या करता वो? रंजीत हर रोज किसी न किसी की रैगिंग करता है। इस बात को लेकर सब लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और कोई उसकी कंप्लेंट तक करने नहीं जाता। मगर इसमें मेरी क्या गलती है? माय डियर, तुम्हारी ये गलती है कि तुम रंजीत की दोस्त हो। अरे रोहित, रोहित एक गुड न्यूज है यार। अरे आर्या ने कंप्लेन वापस ले ली है और तुम कल से क्लास अटेंड कर सकते हो यार। क्या बात कर रहा है यार, सिरफिरी का दिमाग ठिकाने पर आ गया। नहीं यार, उसे रंजीत भड़काता है, नहीं तो वो कितनी अच्छी लड़की है यार। अरे होगी यार, मुझे क्या लेना देना उससे। लेकिन मुझे तो है। कम ऑन यार, फ्रेंड्स। अपने दोस्त से कहना एटीट्यूड थोड़ा कम दिखाए। अबे साले तू है क्या? तेरी तुम्हें पता है तुमने मेरा कितना बड़ा सपना तोड़ा है? अबे यार, मैंने तो सोचा था आज रात को। क्या रात को? अरे बाहर से कुछ खाना मंगाते हैं यार। लेकिन यार तुमने तो सारे अरमानों पर पानी फेर दिया यार। अरे धर्म भाई, ईमान के होते हुए क्या टेंशन ले रहे हो? बोलो ना क्या ऑर्डर करूं। बोलो चिकन तंदूरी, मटन बिरयानी। खाने से ऊपर भी सोच लिया कर मेरे बाप। अरे मैंने सोचा था पिकनिक पे जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। ये स्विमिंग पूल है या गाँव का तालाब? अबे वो देख, सांड नहा रहा है। अरे धर्म भाई, ये सांड देखो, बॉडी दिखा रहा है। अपने आप को अर्नोल्ड समझता है। अबे सांड को छोड़, हिरनी को पकड़। हटो, हटो। I'm really sorry, I'm really sorry. मैंने आपको बोला भी था कि एक साइड पे हट जाइए, लेकिन आप नहीं हटे। क्या है ये सब? हाँ, क्या है ये गुस्सा निकालने का कोई नया तरीका है क्या? क्या सॉरी सॉरी? हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी। समझाना ये प्यार है क्या जी सर, जी सर, लेकिन ये अपूर्वा कॉलेज हमको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ सर, दायरे में रहकर ही करेंगे। ठीक है सर, ओके सर। हाँ सर, मैं करता हूँ सर। ओह करण, आओ यार, कैसे हो? अच्छा, गुड गुड, बैठो। थैंक यू सर। क्या बात है भाई, आजकल बहुत हंगामा किया हुआ तुमने। हाँ, इसलिए तो सस्पेंड होते होते बचाऊं सर। वो क्या है कि कभी कभी अच्छे काम का फल अच्छा नहीं होता। यू आर राइट सर। और कुछ नहीं ताजी? सर, मेरे लिए कुछ खास इंस्ट्रक्शन? कुछ नहीं यार, एंजॉय करो। अभी अभी तो तुम आए हो, देखो अपने एरिया में कैसी हवाएं चल रही हैं, किस तरफ चल रही हैं। ओके सर। और हाँ, कॉलेज का जरा ध्यान रखना। राइट सर। यह अपूर्वा कॉलेज है ना, हमारे एरिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, जाओ देखो। ओके सर। कैसे लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, कहाँ से आए हैं, जाओ चेक करो। बेफिक्र रहिए सर। हाँ तो चलो सर मैं। ओके, थैंक यू सर। ओके। हे करण, अपने कारनामे यहाँ भी जारी रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे कौम के लोग इतना गिर सकते हैं। अरे ऐसा हुआ है यार, हमेशा तुम लोगों को बहाना चाहिए कुछ बखेड़ा खड़ा करने के लिए। अरे आदत पड़ गई है तुम लोगों को यार, आदत धर्म के नाम पर हंगामा करने की। अच्छा, हम तुम लोगों को, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम लोगों को ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम लोगों का ऐसा चिल्लाने से अन्ना डरने वाला नहीं, समझा? इज्जत से पैसा देने का। अरे अन्ना कैसे हिंदू है ये मुसलमान लोग? शट अप यू रास्कला, तुम क्या मुझे पागल समझता? मेरे अंदर दिमाग नहीं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे तुम लोग कितना इडली, कितना सांबर, कितना वाड़ा काया, मेरे को सब मालूम है। 500 का बिल होने तक मैं चुपचाप सब देखता रहा। अब ये नाटक नहीं चलेगा। काम ओवर, फिनिश, पैसा। अन्ना अल्लाह कसम, हम तुम्हारा पैसा दे देगा अन्ना, दे देगा। अन्ना अगर आपको मुसलमान की बात पे भरोसा नहीं है ना, तो ये हिंदू प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा? तुमको खाना खाने का ताली मालूम है? दोना आता है ना, खाना खाने का ताली दोना आता है। अरे वो तो हिंदू करेगा ना। अरे मुसलमान से पूछिए क्या अन्ना आप भी? आज पूरा कैंटीन का ताले हिंदू और मुसलमान मिलकर दोएगा। ईमान भाई, धर्म भाई, दोएगा ना? अरे दोएगा। जा रहे अंदर, अंदर ताली दोने का कैंटीन में अंदर। अन्ना अच्छा तो बहुत अच्छा, बुरा तो बहुत बुरा। एक बार मेरा दिमाग गरम तो बहुत गरम, अब किसी को छोड़ेगा नहीं, अम्मा तेरे को भी नहीं। अन्ना पर मेरे दोस्तों ने बोला कि वो पैसे दे देंगे। पैसा देगा अच्छा, नहीं देगा बुरा। ये मेरा लास्ट वार्निंग अम्मा, समझा क्या? अभी जाओ अंदर काम करो। अन्ना से बेकार पंगा लेना, अन्ना किसी को छोड़ेगा नहीं, समझा क्या? बेटी 20,000 भेज सकती हो? कहाँ से लाऊं इतने पैसे? ए मोहनी, कोई लोचा हुआ क्या? बताना, अपन तेरे वास्ते कुछ कर सकता है तो 100% करेगा, समझ गया? अपन छोटा आदमी है ना, किसी का दुख कैसे बांट सकता है? ऐसी बात नहीं है चमन जी, एक्चुअली वो देख, मेरा बात सुनने का, तेरे को कभी लगे ना कोई भी चीज का जरूरत पड़े ना, तो अपन के पास बिंदास आने का। ए हंसने का रे, ऐसे ही हंसते रहने का। अपन है ना 100%। कितना अच्छा लगता है हंसता है तो। चल अपन काम कर, बोला है मेरे को। चल ये लो पूरे 15,000। थैंक्स सर, अगर आज आप मेरी मदद ना करते तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये पैसे मैं आपको 1 महीने में पक्का लौटा दूंगी। रे बाबा, पैसा काई को लौटाएगी? अरे साहिब का दिल बहुत बड़ा है, तुला माहित नहीं। साहिब ने ना जाने कितनी लड़कियों की लाइफ बना दिया। अभी तेरे सर पे हाथ रख दिया ना तो तेरे को जिंदगी भर कभी पैसे का तंगी नहीं होगा। काय बोलते साहिब? ऐसी कोई बात नहीं चमन, मुझे इंसानों की अच्छी परख है। फेस वैल्यू देखकर ही सामने वाले का भाव तय करता हूँ। अरे वक्त इसका है, चापी। अबे वैसे भी तू इसका चिकना बदन जिंदगी भर नहीं देख पाता। अब देख रंजीत, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। और सुन साले, अगर ये एमएमएस तूने किसी को दिखाया ना तो अबे आंख किसको दिखाता है? हाँ, आंख किसको दिखाता है? किस किस का मुंह बंद करेगा तू? हाँ, बर्बाद हो गई तेरी छमिया। और वैसे भी है ना, ये एमएमएस मैं सारे शहर में बांट चुका हूँ। साली पता नहीं कितनों का बिस्तर गर्म कर चुकी होगी। रंजीत! अरे रोहित क्या हुआ? सैंडी, वो साला रंजीत मेरे मोहिनी के गंदा एमएमएस दिखा रहा है। मोहिनी का एमएमएस? मोहिनी का गंदा एमएमएस? साले तूने मोहिनी के एमएमएस दिखाए? साले तेरी तो रोहित, वो मोहिनी ने अपने आपको कमरे में बंद कर लिया। मुझे डर है कि मोहिनी कहीं कुछ कर डाले। चलो चलो जल्दी जल्दी। अरे दुपट्टा तो नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, तुम क्यों मारोगी? क्यों मारोगी? क्यों मारोगी? तुम मरेंगे वो लोग। तुम तो आत्महत्या कर लोगी, लेकिन तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी ये हरकत उन लोगों में और जान फूंक देगी, उनकी हिम्मत और बढ़ा देगी, और कल फिर वो एक और मासूम के साथ यही करेंगे। नहीं जीना चाहती हूँ मैं, मर जाना चाहती हूँ। मेरी जीनत के साथ भी उन लोगों ने ऐसा ही किया था। मेरी मासूम बहन जीनत को पढ़ने का बहुत शौक था। जब मेरी पोस्टिंग आसाम में हुई तो मैं उसे पढ़ने के लिए अपने दोस्त कुमार के भरोसे छोड़ाया, लेकिन उसी दोस्त ने मुझे धोखा दिया। नहीं बाबा, मैं भी और पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, वैसा ही होगा। ये ले, रख, और ये 10,000 और रख। चल फुट, भैया, भैया जल्दी आना। और इस तरह कुछ दरिंदों की वजह से मेरी बहन जीनत ने आत्महत्या कर ली। और मैं एक लाचार निहत्था फौजी सिर्फ तड़पने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन अब ये कर्नल इनायत खान फिर से लाचार और निहत्था नहीं होगा। बेटी, हम इन दरिंदों को इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, इन्हें सजा दिलवाएंगे किसी भी कीमत पर। बोलो कौन था वो? चमन बहार। चमन बहार? चमन बहार? चमन बहार? अम्मा टेंशन नहीं लेने का। हाँ अम्मा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा अम्मा। अन्ना तेरे साथ है अम्मा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का अम्मा, सब ठीक हो जाएगा अम्मा, टेंशन नहीं लेने का अम्मा, अन्ना तेरे साथ है, बोला ना सब ठीक हो जाएगा अम्मा। रो नहीं, रो ना, चुप हो जा अम्मा, मेरा अम्मा चुप हो जा। लास्ट ट्रैक फोन फोन ये शरद सक्सेना साहिबांचा फोन। बोला साहेब। सुन चमन, अभी तू जहां भी है वहीं रुकना। हाँ, पेग मार, तंगड़ी तोड़, जो भी करना कर, लेकिन जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता वहां से हिलना मत, समझा गया? 100% साहिब, ऐसी जगह छुपा हूँ मेरे को खुद को नहीं मालूम कहाँ हूँ। ओके साहिब, गुड नाइट। गुड नाइट। कब से काम कर रहा है ये? पिछले 5 सालों से। रहता कहाँ था ये? सर, वो यही कैंपस में रहता था। इसका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त वोस्त तुम लोगों ने देखा कभी किसी को? सर, हमने उसे किसी से मिलते हुए नहीं देखा। कभी कोई नहीं दिखा? नहीं सर। अच्छा, मोहनी, ये चमन जिससे मिलवाने लगे आपको, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? सॉरी, प्लीज। इंस्पेक्टर, आपको जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए। दे मस्ट बी बिहाइंड बार्स एट एनी कॉस्ट। दे विल बी सर। 1 हफ्ते के अंदर आपके सामने खड़ा कर दूंगा इसको। थैंक यू इंस्पेक्टर। और बीच में जरूरत पड़ी तो आपको तकलीफ दूंगा। एनी टाइम। $15,000 में कॉलेज की लड़कियां एक रात के लिए अवेलेबल। अब हमारा काम आसान हो गया। साला पहले मन में थोड़ा डर था, कहीं कॉलेज तोड़कर शॉपिंग सेंटर बनाने पर पुराने ख्यालात के जो निठल्ले लोग हैं ना, हमारा विरोध करेंगे, हम पर इल्जाम लगाएंगे कि कॉलेज तोड़कर, विद्या का मंदिर तोड़कर दुकानें बना रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अरे जिस कॉलेज में देह का व्यापार होता है उस कॉलेज को तो तोड़ना ही अच्छा है। शरद बाबू, ये बात नहीं है भाई, हम तो जानते हैं कि ऐसा होता है। हाँ, अखबार में पहली बार छप रहा है। कई बार हमने अपना टेंडर पास कराने के चक्कर में इन अफसरों को कॉलेज की लड़कियां भिजवाई और हमारा काम हो गया। आज तो जश्न मनाने का दिन है। बिल्कुल। अरे मस्ती मौज करो खन्ना, मिठाइयां बांटो, दारू पियो यार। पर एक बात का डर है। अरे यार, इसकी तो क्या डर, क्या डर है? बुरी खबरें कमजोरों को और कमजोर बना देती हैं और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वालों को बुरे वक्त में और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। कहीं ऐसा ना हो ये खबरें पढ़कर प्रिंसिपल खान और स्ट्रॉन्ग बन जाए। अगर वो सीधी तरह से नहीं मानता तो हम टेढ़े हो जाएंगे, और जब हम टेढ़े हो जाएंगे तो बड़े बड़े सीधे हो जाएंगे। He has a point. Cheers. ये देखिए, ये देखिए, हमारे कॉलेज की कितनी बदनामी हो रही है। जब से ये MMS का हादसा हुआ है, बच्चों के पेरेंट्स मुझे लगातार फोन कर रहे हैं। सब पूछ रहे हैं आखिर आपके कॉलेज में हो क्या रहा है। ये वो कॉलेज है जहाँ के स्टूडेंट्स नासा में साइंटिस्ट हैं। ये वो कॉलेज है जहाँ के स्टूडेंट्स लंदन में इंडियन एम्बेसडर हैं। ऐसे कॉलेज की लड़कियों के MMS बनेंगे और आप चुपचाप बैठे देखते रहेंगे। आखिर हो क्या रहा है? इस कॉलेज की धज्जियां उड़ रही हैं और आप चुपचाप बैठे देख रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? चिल्लाइए मत सर, कर रहे हैं हम अपना काम। क्या काम कर रहे हैं बताइए, क्या काम कर रहे हैं? सर देखिए, आपको क्यों लग रहा है कि पुलिस वाले हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं? एक मिनट फाइल दीजिए मुझे। ये देखिए, यही है ना वो, यही लड़का है ना। हम लोग गए थे इसे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वहां मिनिस्टर का फोन आ गया और मेरे हाथ काट दिया उन्होंने। आपसे पहले इस कॉलेज की जो लेडी प्रिंसिपल थी वो भी बहुत नेक औरत थी। क्या हुआ उनके साथ में? मार डाला। और मेरे साथ क्या हुआ मालूम है आपको? मुझे यहां से ट्रांसफर करके फेंक दिया गया। कहां? जंगल में। 3 साल तक मैं सड़ता रहा वहां। यही सिस्टम है, अच्छा है बुरा है, यही है। इसी में रह के मुझे अपना फर्ज निभाना है। प्रिंसिपल साहब, आप एक अच्छे प्रिंसिपल ही नहीं एक नेक इंसान भी है, और मैं आपसे वादा करता हूं मैं ये केस सॉल्व करके रहूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मोहिनी, रो मत मोहिनी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। देखो उन सब चीजों को भूलने में ही भलाई है। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता मोहिनी, प्लीज। भाई, हमदर्दी जताने आए हो? रहम खा रहे हो मुझ पे? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू मोहिनी। बट आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू, अंडरस्टैंड? अब ये कॉलेज बंद होगा। मैंने कह दिया सो कह दिया, फिनिश। ये कॉलेज सिर्फ ईंट की चार दीवारी नहीं है, ये कॉलेज इस शहर की रूह है, और रूह कभी मरती नहीं। इस कॉलेज से किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है। पिछले 60 सालों से इस कॉलेज ने किया क्या है? डोनेशन और फीस देकर नौजवानों को फिजूल की डिग्रियां बांटी है जो किसी भी काम की नहीं है। अब कॉलेज कोई फैक्ट्री तो होती नहीं जहाँ सब प्रोडक्ट बनकर ट्रकों में भर भर कर बाहर भेजी जाती हो। यहाँ जिंदगी से जूझने का मंत्र दिया जाता है। विद्या के इस मंदिर में विद्यार्थियों को इंसान बनाया जाता है। मुल्क की कामयाबी का दारोमदार इन्हीं कंधों पर है, ये क्यों भूल रहे हैं आप? और इस विद्या के मंदिर में ऐसी विद्या दी जाती है शरद बाबू, जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान और एक अच्छा शहरी बन जाए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, विद्या, मंत्र, संस्कार, इंसान, माय फुट, सब खोखले स्लोगन एक झूठा नारा है जो नौजवानों को गुमराह कर रहा है। इस शहर में जितने भी लफड़े होते हैं उसमें ज्यादातर इस कॉलेज के लड़कों का हाथ था। हर साल रैगिंग में 2-4 लड़कियों की बेइज्जती होती है, 2-4 आत्महत्याएं होती है, और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी जमीन पर इस कॉलेज को नहीं रहने दूंगा। अगर आप लोगों को कॉलेज चलाने का इतना ही शौक है तो इसे कहीं और ले जाइए। 7 अक्टूबर लीज का टाइम खत्म हो रहा है। आठ 8 अक्टूबर को मुझे किसी का नामो निशान तक नजर नहीं आना चाहिए, भूलिएगा मत। अगर 8 अक्टूबर तक यह कॉलेज खाली नहीं हुआ तो जो भी हाशिर होगा उसके लिए आप सब लोग जिम्मेदार होंगे। 8 अक्टूबर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एग्जाम होने तक हमें वक्त दे दीजिए। एग्जाम होने के बाद हम यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे, प्लीज। ये कई जिंदगियों का सवाल है और ये मेरे बिजनेस का सवाल है। एक मिनट, जाते जाते ये स्टे ऑर्डर ले जाइए। आश्चर्य हुआ होगा ना कि मैं अंदर मीटिंग में क्यों नहीं था। मिस्टर शरद सक्सेना, आई विल नॉट अलाउ यू टू प्ले विद द कैरियर्स ऑफ माई स्टूडेंट्स। अच्छा, 1 साल का स्टे ऑर्डर लाया है। देखना प्रिंसिपल, 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें इस कॉलेज से बाहर फेंक दूंगा। It's my challenge. ये तुम्हारे पापा हैं? हाँ, ये मेरे पापा हैं। क्यों? क्या बात है? देखो आर्या, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। चलो चलें। तू चल, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। ओके ओके। क्या बात है रोहित? I am sorry to say, your dad is a criminal. How dare you? He's my dad. Yes, I dare, because you can't change the fact. तुम सच्चाई को नहीं बदल सकती हो। अरे जाओ, जिससे पूछना हो पूछो, सारा कॉलेज इस बात को जानता है। रोहित, अगर यही सच्चाई है तो टेल मी, मुझे भी तो पता चले व्हाट इज द ट्रूथ। टेल मी डैम इट, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते रोहित। तो सुनो, तुम्हारा बाप अपने फायदे के लिए इस कॉलेज को खाली करवा देना चाहता है और उसके लिए उसने यहाँ की प्रिंसिपल सरस्वती देवी का खून भी करवा दिया, जो 1 साल पहले यहाँ आई थी। कमाल है, हम अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हैं शिक्षा लेने के लिए और कॉलेज अथॉरिटी हमें सिखा रही है कि हम अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें। सही बात है। डोनेशन देते वक्त हमें ऐसा लगा था कि हमने अपने बच्चों का भविष्य खरीद लिया है, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि बच्चों पे कड़ी नजर नहीं रखी गई तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोगों को मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपके बच्चों के बारे में आपसे कुछ बात कर सकूं। आप लोगों के बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, संस्कार देने का काम परिवार का है, क्योंकि विद्यार्थी सिर्फ 6 घंटे कॉलेज में रहते हैं, बाकी 18 घंटे आपके साथ रहते हैं। इसमें ज़रा गौर कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपने फीस भर दिया, किताबें दिला दिया और पॉकेट मनी उनके जेब में रख दिया, क्या आप समझते हैं कि आपने फ़र्ज़ निभा दिया? ये भ्रम है। मैडम, हम अपने बिजनेस में इतने बिजी हैं कि जीने और मरने की फुर्सत ही कहाँ है। अच्छा, जब आपके पास कुत्तों को टहलाने के लिए समय है, लेकिन अपनी कोख से पैदा हुई औलाद के लिए समय नहीं है। उनकी आशा क्या है? उनकी आकांक्षाएं क्या हैं? उनकी प्रॉब्लम्स क्या है? अरे यही तो उनकी उम्र है। उनके लिए सोचना, उनको गाइडेंस और प्रेम की जरूरत है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपके पीछे आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। आपके बच्चे इस समाज की कोई परवाह नहीं करते और इस तरह उनके साथ कोई भी खिलवाड़ किया जा सकता है। आपको पता है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर अपने गलत कामों के लिए कॉलेज की ओर देखते हैं। यहाँ उन्हें रॉ माइंड के बच्चे मिलते हैं तो उनका गलत कामों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ड्रग सप्लायर, गुंडे, मवाली, माफिया लड़कियों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए उनकी नजर हमेशा कॉलेज पर रहती है। लड़कियों को इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए पुट देम बिहाइंड द बार्स। सही वक्त पर सही रास्ता नहीं दिखाया तो बच्चे भटक जाएंगे। अगर तेल की बनना आसान है, डॉन बनना आसान है, माफिया बनना आसान है, तो मेहनत करके धीरू भाई अंबानी क्यों बनेंगे? बताइए। कम ऑन टेल मी, आपके पास कोई जवाब है? बताइए, आपके पास कोई जवाब है? सॉरी मैडम, आपने हमारी आंखें खोल दी। हमारे पास कुत्तों के लिए समय है लेकिन अपने बच्चों के लिए नहीं। उन्होंने इस बिगड़ते कॉलेज की भलाई के लिए पहला कदम उठाया, इस कॉलेज को एक नई दिशा दी। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका कर्तव्य है कि अपने चारों तरफ फैली बुराई पर नजर रखें, खासकर अपने को स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने सही रास्ता छोड़कर कुछ समय की खुशी के लिए भटक जाते हैं। उन पर अंकुश लगाइए, उनको रोकिए, उनको टोकिए, उनकी आंखें खोलिए, उनको सही रास्ता दिखाइए ताकि वे एक अच्छे इंसान बने। आप याद रख लीजिए, इस कॉलेज के स्टूडेंट की एकता इस देश की तरक्की है। लेकिन तुम्हारे डैड को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कॉलेज को बदनाम करने के लिए यहाँ की लड़कियों पर भी इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम किया और जेल भिजवाया। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़कियाँ कहाँ मिली? मैडम, मेरे अंदर अभी भी इतनी शर्म बाकी है कि मैं अपनी जबान से बता नहीं सकता कि मैंने आपकी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को कहां से, किस हालत में और किसके साथ पकड़ा है। नो इंस्पेक्टर साहब, ये आपको गलतफहमी हुई है। ये लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती। ये ये लड़कियां मेरी बेटी और मेरी बहन जैसी हैं। ये ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज इनको छुड़वा दीजिए। प्रिंसिपल साहबा, आप अपने कितने बेटे बेटियों को छुड़वाएंगी और कहां-कहां से छुड़वाएंगी? इनको छुड़वाने से तो बेहतर होगा कि आप अपने कॉलेज में ताला लगवा लें। क्या मतलब है इंस्पेक्टर? मतलब ये है कि इनके ये सब धंधे बंद नहीं होंगे। अगर कॉलेजेस बंद हो जाएंगे तो कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी कि ये स्टूडेंट्स कॉलेज के नहीं हैं। एक आपको पहली जानकारी दे दूं, इस शहर में जो कॉलेज और स्कूल्स हैं उनके सामने ब्यूटी पार्लर्स हैं, जुए के अड्डे हैं और मिनी थिएटर्स हैं, और प्रिंसिपल साहिबा वहां पर फिल्में दिखाई जाती हैं। अगर ये बात आपको पहले से पता है तो आप लोग उसे बंद क्यों नहीं करवा देते? वो कभी बंद नहीं हो सकता प्रिंसिपल साहिबा, क्योंकि उसे चलाने वाले कानून से भी ज्यादा ताकतवर हैं। हम एक गुनाहगार को पकड़ते हैं और ऊपर से नीचे तक 100 फोन कॉल्स आ जाते हैं, और हम कानून के रखवाले कानून के दायरे में रहकर कुछ नहीं कर सकते। फिर भी सरस्वती देवी इस कॉलेज की भलाई के लिए लड़ती रही, यहां तक कि खुद जेल गई। May I come in? इंस्पेक्टर आप बैठिए। थैंक यू। क्या बात है इंस्पेक्टर? प्रिंसिपल साहिबा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा कि अब जैसी देवी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। जब तुम्हारे डैड से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो अंत में उन्होंने सरस्वती देवी का खून करवा दिया। बहुत दिनों तक कोर्ट में केस चलता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे डैड की ताकत और आतंक के सामने सब लोग झुक गए। चाहते हैं पापा, और अपने सरस्वती मैडम का खून क्यों करवाया? I just want to know the truth, पापा। तो तुम मुझसे सच्चाई जानना चाहती हो? देखो बेटी, अगर मैंने खून करवाया होता तो आज मुझे जेल के अंदर बंद होना चाहिए था, लेकिन ये बात सच है कि मैं इस कॉलेज को खाली करवाना चाहता हूं, इसीलिए कि जमीन मेरी है और इस जमीन को ऑलरेडी मैं बेच चुका हूं। इस कॉलेज को बंद करवाने के लिए मैंने ऑलरेडी 4 महीने पहले नोटिस दी थी। अगर वो लोग ये सोचते हैं कि मुझ पर खूनी या किसी तरह का इल्जाम लगाकर इस कॉलेज को बंद कराने से रोकेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। इससे ज्यादा सफाई देना मैं मुनासिब नहीं समझता, समझे? लेकिन पापा, इट्स माई बिजनेस। Please don't interfere in this. Sorry, Papa. Hello. Hello, Rohit. Phone मत रखना please. पापा ने कॉलेज की जमीन बेच दी है, and I think he's right in his point. और जहाँ तक रहा मर्डर का सवाल, my dad will never do that. ये सब एलिगेशंस उन पर इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि कॉलेज वहीं बना रहे। ये जो तुम अपने डैडी के बारे में सफाइयां दे रही हो ना, उससे सच्चाई नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी सच्चाई। रोहित, why should I trust you? Yeah, why should you trust me? Okay, bye. हेलो, हेलो। रोहित, रोहित रुको। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों? तुम्हें पता नहीं है क्या? मोहिनी का MMS, मैडम का खून। ये मोहिनी, ये सरस्वती देवी, मैंने इन सबका ठेका ले रखा है क्या? और इन सबकी वजह से तुम मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हो? शट अप आर्या, शट अप। एक लड़की का MMS बनता है, मैडम का खून हो जाता है, और तुम्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेना देना होगा भी कैसे? आखिर बेटी किसकी हो तुम? लिसन, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं अपने डैड के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। तो मत सुनो, लेकिन आज के बाद मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगी? ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। मुझे भी तुम्हारी ये शक्ल देखने का कोई ज्यादा शौक नहीं है। सेम है यार। क्या कर रहा है? चलो कुछ खाने चलते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी यार। चल चल चल। नहीं यार, तू खा के आ, मेरा मूड नहीं है। भाव खा रहा है? भाव खा रहा है? चल ना कुछ खाते यार। चल ना, भूख लग रही है, चल ना। अरे यार नहीं खाना है, बोला ना एक बार। क्या दिमाग मत खा मेरा। तलक यादों के साए दिल पे हैं छाए हुए, एक जमाना हो गया लब पे हंसी आए हुए। हमको बाहों में छुपा लो अब यही अरमान है, आपके हाथों में ही बस अब हमारी जान है। इश्क में दर्द जुदाई है, इश्क में दर्द जुदाई इश्क का दस्तूर है, इश्क में रुसवाई भी मंजूर है। ओ इश्क में रुसवाई भी मंजूर है। क्या करे ये दिल बड़ा मजबूर है, इश्क में रुसवाई भी मंजूर है, इश्क में रुसवाई भी मंजूर है। How are you? क्या हो रहा है राकेश? हम लोगों का कॉलेज बंद हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? बोल ईमान क्या खाएगा? अरे कॉलेज बंद हो रहा है यार। अब अपने को टेंशन ही नहीं, कैंटीन का पैसा देना ही नहीं पड़ेगा यार। अब तो कॉलेज बंद हो रहा है यार। इतना आसान नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की भी कोई चीज होती है। तू चल, टेंशन मत ले, चल। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि लीज का समय जो इसी साल 14 अगस्त को खत्म हो रहा है, इसके बाद कॉलेज प्रॉपर्टी पर ज्ञान चंद सक्सेना और उनके बेटे शरद सक्सेना का अधिकार होगा। कोर्ट ने कॉलेज मैनेजमेंट को यह आदेश दिया है कि 15 अगस्त तक कॉलेज खाली कर दे। सर क्या हुआ? अरे इससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो। कुछ नहीं कर पाया तुम्हारे प्रिंसिपल, बेचारा। देखिए मेरी ताकत, मेरा चैलेंज। अब तो हमारा एक साल जाया हो जाएगा। कॉलेज में रहते कौन सा अच्छा काम किया तुम लोगों ने? हैं? कभी किसी ने कॉलेज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी नहीं। हर वक्त एंजॉयमेंट, मौज मजा, मस्ती, रैगिंग, मारपीट, यही सारी चीजें आज हमारी हार का कारण बन गई। ये सब छोड़ो, कभी तुमने किसी के बारे में सोचा नहीं, ना कॉलेज के बारे में, ना अपने परिवार वालों के बारे में, ना अपने बारे में। कभी सोचने की जरूरत महसूस हुई नहीं। एक साल जाया हो जाएगा। सर, सर प्लीज हमें सुधरने का एक मौका दीजिए सर। सर हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हम आपको बेस्ट से बेस्ट बनकर दिखाएंगे सर। मैं जो कुछ कर सकता था मैं कर चुका, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सर आप तो लड़ने के लेसन दिया करते थे हर किसी को, हिम्मत की बातें किया करते थे आप, पर आज कहाँ गई सर आपकी हिम्मत? सच तो ये है कि आप हार गए सर। हमें माफ कर दो अन्ना, हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। शायद कल हम यहां पर नहीं होंगे। अन्ना ये पैसे रख लो। पैसा मेरे को नहीं मांगता है, तुम रखो। हमने आपके फ्री में बहुत कुछ खाया है। नहीं, नहीं तुम रखो, मेरे को पैसा नहीं मांगता है, मेरे को तुम लोग मांगता है। रखो, इधर आओ। आज इधर खाने को कोई नहीं आया, जाकर सबको बोलो अन्ना ने खाने को बुलाया। मेरा तरफ से प्रेम है। अन्ना आज शायद कोई नहीं खाएगा। अब मैं किससे झगड़ा करेगा? कि दिल धड़कता है, सच भले परेशान हो हारता नहीं कभी, सच भले परेशान हो हारता नहीं कभी। दो दो कदम चल के हम कारवां बनाएंगे, हौसला न हारेंगे जीत के दिखाएंगे, हौसला न हारेंगे जीत के दिखाएंगे। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए अब हमारी लड़ाई उसूलों की है, सिद्धांतों की है। जब तक हमें हमारा हक नहीं दिया जाता हम इसे हासिल करके रहेंगे, लेकिन शांति से, बिना किसी वायलेंस के। तुम सब हमारे साथ हो? Yes, sir! हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा, सब शांति से बैठेंगे, कोई कुछ भी कहे हमें अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना है। देखिए, मैं आप लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूं, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं हमारे पास। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यहां सामने से हट जाएं और कानून को अपना काम करने दें। नियम और कानून इंसानों की भलाई के लिए बनाए गए हैं इंस्पेक्टर, और जब यही नियम यही कानून बुरे लोगों का साथ देने लगे तो आवाज तो उठानी पड़ती है। क्यों बच्चों? ये क्या बकवास है सर, ये हो क्या रहा है? माना कि ये स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, लेकिन ये जो अपने आप को इस कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं, ये गुमराह कर रहे हैं बच्चों को, कानून के खिलाफ भड़का रहे हैं सबको। इंस्पेक्टर, क्या हुआ डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी, उनको हम बचा नहीं पाए। क्या क्या? ओह माय गॉड। रानी, रानी। तुमने स्टूडेंट्स पे गोली क्यों चलवाई? सर समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। सब एकदम ऐसे हुआ, कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। झटपट बस। व्हाट झटपट? एमएलए से लेकर होम मिनिस्टर तक एक एक को जवाब दे दे के थक गया हूं मैं। क्या कहूं उनसे मैं? डू यू नो द सीरियसनेस ऑफ दिस मैटर? अरे तुम्हें स्टूडेंट्स में और आतंकवादी में कोई फर्क नजर नहीं आता क्या? आई डोंट नो व्हाट टू डू विद यू। करना क्या है सर, कागज पेन लीजिए और ट्रांसफर कर दीजिए मेरा। मैं भी आदी हो चुका हूँ। मुझे तो अब ऐसे लगता है जैसे मैं इस डिपार्टमेंट से बिलोंग ही नहीं करता हूँ। फिर ये रिवॉल्वर आपने दी थी, क्या करना है इसका? सर मेरे हिसाब से ये रिवॉल्वर तो टेररिस्ट के पास होना चाहिए कि वो जहाँ पुलिस वाले को देखे वहीं गोली मार दे। और हम जब रिवॉल्वर निकालें तो पहले उसे देखें, फिर सोचें कि किससे परमिशन लेनी है ताकि हम उस पर गोली चला सकें, और तब तक उसकी गोली रुकी रहेगी। सर ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि गोली मुझे यहाँ लगी। थोड़ा सा इधर होता तो गोली यहाँ लगती, तो आपके सामने भी खड़ा नहीं होता मैं। सूर्यवंशी ज्यादा तो नहीं लगा ना? बच गया हूँ सर। ओह सूर्यवंशी, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो। ये कानून है और हमें कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। सर समझता हूँ मैं, क्या करूँ। चलिए आप लोग उठिए। प्रिंसिपल साहब आज पेशी आप लोगों की, चलिए। अनिकेत और रोनी कैसे हैं? अरे बोलना, खड़ा क्यों है? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अबे सारे, सुना तूने उसने क्या बोला? क्या बोला? रोहित, रोहित, सुना तूने? रोहित, छोड़ो, चलो, छोड़, चल। सर बाकी स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक पे हैं सर, और उन्होंने कसम तक खाई है कि जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा वो लोग एक बूंद पानी तक नहीं पिएंगे। आई एम सॉरी सर। सर मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पर गोलियाँ चलेंगी सर, और मेरे दोस्त मारे जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अब तो आपको सच्चाई का पता चल गया है, प्लीज हमारी मदद करो। वहाँ हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। सर मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं नहीं ले सकता कानून अपने हाथ में, प्लीज। आई एम सॉरी प्रिंसिपल साहब। सर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जिन्हें अंदर होना चाहिए था वो बाहर हैं, और जिन्हें बाहर होना चाहिए था वो अंदर। प्लीज इंस्पेक्टर हमारी मदद करो, वहाँ बच्चे भूख से मर जाएंगे। कोर्ट की पेशी के लिए कितना टाइम है हमारे पास? तकरीबन 1.5 घंटा सर। 1.5 घंटा 1.5 घंटा ठीक है। ब्लडी हेल, अब हम सारे मारे जाएंगे। नाउ यू लिसन टू मी, दे वॉन्ट द लैंड एट एनी कॉस्ट। और सक्सेना तुझे तो पता है ना कि ये पैसा किसका है। अरे वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। Why don't you understand this? You have to do something. आप कहना क्या चाहते कि कॉलेज को बंद कराने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया? सरस्वती का खून करवाया, कॉलेज को बदनाम किया, यहां तक कि अपने बाप को टॉर्चर भी किया। मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए, इसके बाद अगर हमने कोई हरकत की तो हमारी पोल खुल जाएगी। इस वक्त मैं तो क्या, हम में से कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। चुप रहो, इसी में सबकी भलाई, समझे आप? शरद, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। जो कुछ करना है जल्दी करो बस। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर करण, मैं आर्या बोल रही हूँ। हाँ आर्या बोलो। ये जो कुछ भी हो रहा है इन सब के पीछे मेरे पापा का ही हाथ है। व्हाट? मुझे ये भी लगता है कि दादाजी भी इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानते हैं। मैं हेलो 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 आर्या, शिट, जिनको भी छोड़ा है लेकर आओ फौरन। कहाँ जा रहे हो? हॉस्टल। क्यों? सोने? इसीलिए छोड़ा है तुम लोगों को? तुम लोगों को कुछ पता भी है क्या चल रहा है? सर हमें मालूम तो है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं तो कौन करेगा? पुलिस? हर चीज के लिए पुलिस? ठेका लिया है पुलिस ने तुम लोगों का। जब घूमते हो, अय्याशियां करते हो, तब याद आती है पुलिस की। हम क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं करेगा, ना पुलिस करेगी ना मैं करूंगा। जो भी करना है अब कर लो, आज के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा तुम लोगों को। देखो शिंदे। यस सर। जब तक मैं ना बोलूं ये हथियार कहाँ जा रहे हैं तुम लिखोगे नहीं। ओके सर। कौन सा सामान कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, ये मेरे से पूछे बिना तुम नहीं लिखोगे। हो जाएगा सर। ठीक है? ठीक है सर। अब जाओ। ओके सर। हेलो हेलो करण। यस सर। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है ना? सर चिंगारी तो दिखा दी है, अब आग कितनी फैलती है बोल नहीं सकते। वेरी गुड। तुम सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस बार मैं अपनी ट्रांसफर करवाने के मूड में नहीं हूँ। नहीं सर, आपका तो ट्रांसफर होने नहीं देंगे, लेकिन हाँ कमिश्नर साहब का तो तय है। ओके, बी केयरफुल, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। साइन करो। मैं कहता हूँ साइन करो। नहीं, अब साइन नहीं करेंगे दादाजी, कुछ भी हो जाए अब साइन नहीं करेंगे। एक तो भाई लोग पीछे पड़े, दूसरी पुलिस, अगर इंक्वायरी हुई तो सब खत्म हो जाएगा। मारो साले को। क्या कर रहा है तू? ऐसा नहीं मारेगा बुड्ढा, अब देखता हूँ साइन करता है या उड़ा दो इसको। साइन करो। नहीं दादाजी, अब साइन नहीं करेंगे प्लीज। मैं कहता हूँ साइन करो, नहीं तो उड़ा दोगा इसको। दादाजी प्लीज। चल साइन कर साइन, चल साइन कर, जल्दी कर। नहीं ठहरो। पीछे हटो। मैं कहता हूं पीछे हटो, वरना एक को उड़ा दूंगा। पीछे हटो। मारो। किस किस को मारोगे शरद सक्सेना? मारो। साहब, आज एक प्रिंसिपल के सिद्धांतों और उसूलों का खून हो गया। नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, आपने जो कुछ भी किया है वो कॉलेज और समाज की भलाई के लिए किया है। फिर गंदगी को साफ करने के लिए कभी कभी गंदगी में उतरना भी पड़ता है। अगर इस मिशन में आपका सहयोग नहीं होता तो हमें सफलता नहीं मिल सकती थी। थैंक यू वेरी मच प्रिंसिपल साहब, थैंक यू। चलो। केस कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन बाद में अदालत ने केस को खारिज कर दिया। कॉलेज की समस्या तो खत्म हो गई, लेकिन स्टूडेंट नहीं सुधरे। अरे यार, आज अगर 10,000 रुपए होते ना तो मस्त धमाल मस्ती करते यार। हाँ यार यार, पैसे का इतना अकाल पड़ा हुआ है, रोनी होता तो यार। रोनी, हाय, आई एम चंपकलाल बैनर्जी। यहाँ पे फिजियोलॉजी की क्लास कहाँ पे है? Ready for you, give me the fun. Move your body, girl, you are the one.